अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप। वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया था, मैंने रिपेयर वाले को बुलाया। किसी को कैसे शूट कर सकते हो सोते सोते हो। तो मेरा ब्लड शुगर लो है, अमरूद निकाल के रखे थे फ्रेश एकदम मेरे विंडो के पास ही थे, तो मैंने डिसाइड किया है कड़ी चावल भजिए के साथ खाएंगे तो बहुत। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। तो ये क्लिप जो आप देख रहे हो 3-4 महीने पुराना है, एंड तब जब मैंने शूट किया था मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने कहा आज इस वीडियो में डाल ही देते हैं। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट डे, आज का दिन तो पूरा आलस वाला था। मतलब स्टार्ट ऑफ द डे ओनली आई फेल्ट लाइक आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। मैंने डिसाइड किया कि मैं चाय नहीं बनाऊंगी, रेडीमेड कॉफ़ी बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ मेरी कॉफ़ी बन गई है, एंड चलो चलते हैं हॉल में अब। और ये जो आप देख रहे हो पैकेज दुबई से आई है मेरे क्लाइंट जो दुबई में थे, अच्छी दोस्ती हो गई थी, उन्होंने कहा कि दुबई से कुछ चाहिए, तो मैंने कहा ये बिस्किट जो है डेट्स वाली वो लेकर आना, बिकॉज नेदा मेरी बहन ने लाया था दुबई से, मुझे बहुत अच्छे लगे थे, ख़त्म हो गया था, मैंने इनको कहा लेकर आओ। तो लंच में बनाया था आलू फ्रेंच बीन्स की सब्ज़ी, थोड़े बहुत चपाती, और यहाँ पर आप देख सकते हो वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया था, मैंने रिपेयर वाले को बुलाया था, वो आ गए थे, एंड धीरे धीरे से मेरी तबीयत ख़राब होती जा रही थी। मैंने डिसाइड किया एक और कप कॉफ़ी पीने के लिए। क्या हो गया पता चला? नॉब टूट गई। अच्छा, इसलिए वो कट करके आवाज़ आया। सो रिपेयर वाले के जाने के बाद मैं सो गई थी, काम करते करते आप देख सकते हो मेरे दोनों फ़ोन यहीं पे पड़े हुए हैं, और बुक भी खुली रह गई, बट मुझे नींद इतनी आ रही थी बिकॉज बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था पेट में, मेरी आँख लग गई। मतलब किसी को कैसे शूट कर सकते हो सोते सोते, और आगे आप देखोगे डिस्टर्ब भी कर लिया मुझको। तो मेरी नींद तो ख़राब हो गई, उसके बाद मुझे जाना था बाहर, बहुत इंपॉर्टेंट काम था, वरना मैं बिल्कुल नहीं हिलती बिकॉज तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी मेरी। उसके बाद मैं जब आई तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरा ब्लड शुगर लो है, मैंने डिसाइड किया वो जो डेट्स का बिस्किट था उसको खोल के खाऊं मैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि ये कैसा लगता है। दीज आर एक्चुअली नॉट द सेम बिस्किट्स दैट माई सिस्टर गॉट, बट आई कैन से क्लोज, सेम कंपनी का ही था। समटाइम्स आपकी बॉडी को शुगर इतना लगता है और आपको जब वो मिल जाता है ना, इट फील्स सो सैटिस्फाइंग। सो या अब इनको वापस अंदर डाल देते हैं, एंड उसके बाद किचन में जाकर थोड़ा बहुत किचन को सेट करना है। और ये आज सवेरे जो है अमरूद निकाल के रखे थे फ्रेश फ्रेश एकदम मेरे विंडो के पास ही थे। थोड़ी बहुत सेटिंग अभी करते हैं, अभी फिर भी मुझ में हिम्मत है थोड़ी बहुत, जो मैंने कहा कि काम कर लेती हूँ, मैंने रख दिया सब कुछ अपने जगह पे। उसके बाद अब आगे देखोगे कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सो गाइज, अच्छा हुआ कि मैं जल्दी घर आ गई, क्योंकि अगर वो बाहर में रह जाती तो मुझे चक्कर आ जाते, बिकॉज इस टाइम पे एट दिस पॉइंट तो मैं कभी कोई चीज़ कर नहीं सकती, अगर मैं खड़ी रहूँ बाहर तो मुझे एकदम से चक्कर आ जाता है, और मैं ऐसी हो जाती हूँ जैसे कि आई एम लिटरली, ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी में से कोई पार्ट कोई खींच के निकाल रहा है। अभी तो थोड़ा बहुत कम हो गया मेरा दर्द, लेकिन पहले ऐसा होता था कि मुझे लिटरली डॉक्टर को बुलाना पड़ता था टू गिव मी इंजेक्शंस टू रिड्यूस माय पेन। इट्स जस्ट अनबेरेबल, आई कांट बेयर इट। और इस टाइम पे मम्मी डैडी की बहुत याद आती, स्पेशली मम्मी की। you know, जो माँ बाप होते उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता है। यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मैं गोली ले लूँ बिकॉज बहुत शदीद दर्द हो रहा था, एंड इस टाइम पे मम्मी की याद इतनी आती है, वो मेरे लिए अजवाइन का पानी बनाकर देती है एंड लाड़ करती है। सो आई वाज मिसिंग मॉम एंड डैड, माय होल फैमिली, माय सिस्टर ब्रदर। और अचानक से गर्मी लगने लगी मुझको, तो मैंने डिसाइड किया मैं एसी चालू करूं। ओके, पर ये एक ऐसी चीज़ है कि मतलब आपको फेस करना ही पड़ता है। अगर मम्मी की याद आ रही थी तो मैंने मम्मी को वीडियो कॉल कर लिया। सो मम्मी को जैसे पता चला तो उन्होंने कहा कि अजवाइन का पानी पिया, ये खाया, दवाई लिया कि नहीं लिया, तो मैंने कहा मामा मैंने दवा ले लिया ऑलरेडी। तो उन्होंने कहा कि बिस्तर से बिल्कुल उठना मत क्योंकि मुझे बहुत चक्कर आते हैं।
उसके बाद मैंने कहा शिट यार खाना बनाना है, अभी बनाऊँ नहीं बनाऊँ, बाहर से मंगाएं क्या करे। तो उसी में थी, मैंने कहा यार बना ही लेते खाना, तो आगे आप देखोगे मैंने कढ़ी चावल बनाया, बट बहुत ही बेमन से बनाया था। चलिए किचन में आपको दिखाती हूँ, स्टिल फीलिंग हॉट एसी के चालू होने के बाद भी। सो दवाई खाने के बाद मैंने 2 घंटे रेस्ट किए, मुझे बहुत बेटर फील हुआ, तब जाके मुझे लगा कि यार कुछ तो चटपटा खाना चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया है कढ़ी चावल भजिए के साथ खाएंगे, तो बहुत ही मस्त बनी थी। आगे आपको मैं दिखाऊंगी भी टेस्ट करके। ऑलरेडी ये देख के ना मेरे मुँह में पानी आ रहा है, समन कर रहा फिर से कढ़ी चावल खाओ, इट्स माई अल्टीमेट फेवरेट। सो गाइस मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। माशाल्लाह चावल भी आप देख सकते हो बहुत खिले खिले बने थे, और मैंने एक्स्ट्रा भी भजिए बना के रख दिए थे फ्रिज में, बिकॉज अगले दिन मुझे चाय के साथ खाना था, मतलब ब्रेड, ये पकोड़े और चाय। सो गाइस टेक केयर, आई विल सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।